कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि सरकार की गलत नीतियों और कार्यशैली आदि का ही परिणाम है कि पहले से ही नए जीएसटी राज के जंजाल से पीड़ित व्यापारी वर्ग अब यूपी में भी जीएसटी सर्वे और छापेमारी से तंग और दुखी होकर बाजार बंद एवं आंदोलन करने को मजबूर हो रहे हैं, जिसका निवारण जरूरी है। साथ ही गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई के इस कठिन दौर में लोगों की क्रय शक्ति काफी घट गई है, फिर भी गरीब और मजदूर वर्ग दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर भी जीएसटी की महंगी दर चुकाने को मजबूर है, किंतु सरकार निश्चिंत है कि उसका जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। क्या ऐसी सोच उचित और जनहितैषी है? ये ट्वीट बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने किया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने यह ट्वीट किया है और नाराज पीड़ित व्यापारियों के हित में उनकी आवाज को बुलंद किया है। छापेमारी से तंग और दुखी होकर बाजार बंद करने और आंदोलन करने को मजबूर होकर जो व्यापारी मजबूर नजर आ रहे हैं, उनका निवारण हो, ऐसा मायावती ने कहा। तो रायबरेली से बड़ी खबर आपको देर रात पुलिस का छापा, कई होटल और रेस्टोरेंट में पुलिस का छापा।